दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना भाई चिकू भज्जी आज आ चुके हैं जी। बहुत शानदार लैब्राडोर है जिन भाई के पास, ठीक है जी। रजत कंबोज भाई से बात करेंगे। लैब्राडोर में बड़े शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। बड़े वो हर रोज़ नई वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। बस दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रह करो, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा जी, ठीक है जी। और अब भैया रजत भाई से बात करेंगे, चलते हैं रजत भाई के पास। चीकू फौजी दो लवर सब्सक्राइब नाउ। भाई राम राम। भाई भाई के पास है, भाई को राम राम। पहले तो भाई राम राम भाई जी। भाई जी ऑडियंस को एक हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन दो पहले तो। मेरा नाम रजत कंबोज है और मैं हरियाणा करनाल गांव गढ़ी बीरबल से बिलोंग करता हूँ। मेरा फार्म जो है वो भी गढ़ी बीरबल में ही है। अपनी खास ब्रीडिंग जो है लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड सीथरियू, इन तीन ब्रीड में जो है हम काम करते हैं। अब रजत भैया बात स्टार्ट होती है कि कहाँ से शौक स्टार्ट किया था? शौक तो वैसे तो है बचपन से ही भाई। पहले स्ट्रीट डॉग से स्टार्ट हुआ जी। स्ट्रीट डॉग से स्टार्ट होने के बाद आराम आराम से ब्रीड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अब ये लगा लीजिए आप, 12 साल का था तब से मतलब शौक के तौर पे डॉग रखे हुए हैं। ब्रीडिंग पर्पज से फार्म में घुसा तकरीबन 2017 में जी। 2017 के बाद अब जो है ब्रीडिंग में या डॉग सेल परचेज में जाए। 2017 में जो आप क्वेश्चन आता है, 2017 में जो सबसे फर्स्ट डॉग लाए थे आप कौन सा लाए थे? जिस पर जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड से स्टार्टिंग करी जी। ठीक है, तो जर्मन शेफर्ड का फिर आपने काम किस समय किया? जर्मन शेफर्ड के वही पहले जो मैं पप लेके आया था वो फीमेल ही पप था मेरे पास जी। तो 2000 समथिंग वो लेके आया था मैं, 12 में लेके आया था जी। तो 13 के अराउंड उसने बच्चे दिए थे मेरे को जी 2013 में। तो तब से मेरे बच्चे जो है मतलब कुछ रिश्तेदार लेके गए, कुछ मित्र प्यारे जी, कुछ जी। बच्चे जो थे वो सेल हो गए, स्टड वाला लेके चला गया। तो उसके बाद फिर आराम आराम से मैं सोचा मैं कि यार अच्छी इनकम है इस काम में। अच्छा, तो क्यों ना अपना जॉब करता था। उस टाइम में जॉब छोड़ के फिर मैं इस काम में घुसा था। जॉब कौन सी थी? जॉब भाई मैं माइनिंग में लगा हुआ था। अच्छा, तो आपको उससे बेस्ट ये लगे दिखाई दिया? हाँ, अपना काम है भाई अपने। उसके बाद फिर ये पोल्ट्री फार्म बनाया जी जी जी। तो दोनों काम बड़े अच्छे से मैच होके चल रहे हैं अपने। अच्छा, बहुत सुंदर बात। तो फिर आप जो फिर लैब्राडोर में कब आए? लैब्राडोर में ब्रीड की भाई मैंने 2017 में जर्मन शेफर्ड के मैंने सिर्फ उसके बाद 2 ही लीटर लिए थे जी जी जी। जब मैं लैब्राडोर लेके आया तब लैब्राडोर में अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला और अच्छी मेरी पहचान बनी है जी। तो लैब्राडोर आपने जो फर्स्ट आपको पहला लैब्राडोर की एडवाइस देने वाला कोई भाई है जिसने एडवाइस दी हो या आपको वो कराओ भाई आपने लैब्रा में काम करो या आपको बस शौक लग गया अचानक ही? नहीं, मेरे को किसी ने कोई एडवाइस नहीं किया और ये नहीं है कि भाई मैंने किसी से कुछ सीखा जी। अपने आप गिरे हैं पड़े हैं जी, तब जाके सीखा खुद से। बहुत बढ़िया बात कह दी। तो लैब्राडोर आपने जो फर्स्ट पप्पी डॉग जो भी लाए थे वो कौन सा था? इंग्लिश लैब्राडोर थी अपनी, रोक्सी फीमेल है। अब मेरी आईडी पे जाके इंस्टाग्राम की आईडी है चाहे फेसबुक की आईडी, उसमें जाके आप रोक्सी देख सकते हो। अच्छा, ये सभी डॉग उसी के दिए हुए। अच्छा, लैब्रा शुरुआत वो किस किसके कैनल से ली थी या किसकी ब्रीडिंग की बच्ची थी? वो ब्रीडिंग की थी भाई शर्मा जी हैं एक, मान सिंह खेड़ी के, उनका डॉग था शेडो जी, बॉब का डायरेक्शन था वो जी जी जी। तो उसकी डायरेक्ट डॉटर थी वो। तो उस फीमेल ने आपको पूरा 100% शौक लगा दिया, मतलब नशा लगा दिया एक किस्म से, वो एडिक्शन हो गया मैं उसका, आज तक एडिक्शन हूँ। अच्छा जी, तो आपने उससे समथिंग कितने लीटर लिए? उससे तो मैंने तकरीबन 3 से 4 लीटर लिए। 3 से 4 लीटर, तो अच्छी इनकम दी उसने। हाँ, उसका बच्चा तकरीबन मैंने आज तक 30+ ही सेल किया है। 30+ का सेल बच्चा किया है उसका आज तक, गुड। तो फिर उसके बाद आपने फिर उससे जो बाद में आप स्टड में आए या फिर डॉग कोई कौन सा फेमस डॉग तैयार किया? उसके बाद अपने ये बच्चे हैं दो, ये राजा है बड़ा और ये छोटा राजा है। अच्छा, ये भी दोनों ही रोक्सी के बच्चे हैं। ये भी रोक्सी के बच्चे? हाँ। ओके, तो ये इसके फादर साइड क्या है? इसकी फादर साइड है छोटा राजा,
ब्लड लाइन है, छोटा राजा का बच्चा है कि जैक्सन उसके बच्चे हैं। अच्छा, दिन नहीं बच्चे आपके। हाँ। आपकी होम ब्रीडिंग है? होम ब्रीडिंग की। इस टाइम पे समथिंग कितने दिन के हो चुके हैं? ये 15 मंथ के हो गए हैं अपने बच्चे। बहुत सुंदर जी। तो अब या इन्हें मतलब सेल वगैरह नहीं करती, स्टड में यूज कर रही हूं? नहीं, अभी स्टड के लिए है, अपने बच्चे चल रहे हैं स्टड के लिए। दोनों स्टड? हाँ, स्टार्ट हो गए हैं। दोनों स्टार्ट हो गए हैं और काफी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आया है इनका। बेहतरीन रिजल्ट आया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। बहुत शानदार बात भैया जी। तो अब इसके बाद में जो ये डॉग हैं, अब एक तो बीच में आप इनके पप्पी आ रहे हैं इस टाइम पे इनके पप्पी आ रखे हैं, पर पप्पी अभी छोटे हैं, बाहर रखे हैं पप्पी, अपने कैनल पे अभी आए नहीं है। अच्छा, आए थे वो सेल हो चुके हैं। तो और मैटिंग दे रहे हो बाहर? हाँ, मैटिंग चल रही है इसकी बाहर। तो आप अगर मैटिंग दे रहे हो तो मैटिंग के लिए कुछ नंबर मिलेगा? हाँ बिल्कुल, नंबर मिलेगा, बोल दो। वो है 8813922009। दोस्तों भैया का नंबर है, जिन्हें ये राजा लैंड के बच्चे हैं, ठीक है ना, जो मैंने कहा जैक्सन सागर भैया के यहाँ पे हुआ था ना। हाँ हाँ, है ना जी जी, और मॉनिस्टर का भाई है जैक्सन, है ना, मॉनिस्टर का भाई है ना जी जी। तो ये उसके बच्चे हैं, ठीक है, जो छोटा राजा के नामी डॉग हुआ था, ठीक है ना। भैया से मैटिंग लेनी हो किसी भाई को या पप्पी चाहिए तो भैया से नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भैया आप इंस्टाग्राम आईडी बोल दो, आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर जानकारी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रजत कंबोज 2020। भैया की इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी इसी नाम से होगा? फेसबुक पेज भी रजत कंबोज के नाम से है। हाँ जी, तो आप भैया की दोनों चीज़ आईडी भी सर्च कर सकते हैं, नंबर भी सर्च कर सकते हैं। अब भैया अब बात आती है, अब एक पप्पी और तैयार कर रहे हो आप, वो पप्पी? वो पप्पी मॉन्स्टर का पप्पी है, जैक्सन का रियल ब्रदर है जो। हाँ जी, वो भी छोटा राजा का सन है, डायरेक्ट मॉन्स्टर जो दीपक राजपूत भाई के पास है। हाँ जी हाँ जी, तो ये पप्पी जो है उनका है। उनका है, ओके ओके ओके। उस पप्पी को भी दिखाएंगे, बेटा चल उधर चल। तो अब ये मुझे आप ये बताओ जी भैया, कि लेब्रा का जो ये आपके पास है, लेब्रा दो टाइप के होते हैं, अमेरिकन और इंग्लिश जी, ऐसी है ना? गलत जा रहा हूं, यूरोपियन लैब्राडोर होता है और एक अपना होता है ये इंग्लिश लैब्राडोर। तो ये आपके पास जो ये लैब्राडोर कौन से है? ये अपने पास इंग्लिश लैब्राडोर है। इंग्लिश लैब्राडोर जी। इंग्लिश और अमेरिकन लैब्राडोर में डिफरेंट क्या है? जो सबसे पहला और पुराना जो लैब्रा है, जिसको हम बोलते हैं कि ओरिजिनल लैब्रा जो है शुरू से, वो यूरोपियन लैब्राडोर बोलते हैं उसे। उनके क्या होता है, फेस पतले होते हैं, फेस लंबे होते हैं जी। हमारे इंग्लिश लैब्राडोर में क्या हो रखा है, इनके फेस भारी हो गए हैं जी, हेड बड़े हो गए हैं, मजल छोटी होगी है जी। भारी होगी है जी, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर इनका सेम ही है जी, ठीक है। बाकी उनके हाथ पैर और इनके हाथ पैर में बहुत डिफरेंट है। क्या फ़र्क है वैसे बताओ? फर्क बोन साइज का। अच्छा जी, ठीक है। चलने के स्ट्रक्चर का। अच्छा जी, ठीक है। टेल भी जी। उनमें जो शो क्वालिटी हमारे लैब्राडोर हैं, यूरोपियन लैब्राडोर है जैसे जी, उनकी टेल होती है लंबी जी। इनकी हमने शॉर्ट कर दी, वो भी ब्रीड में जी जी। ओके ओके ओके। तो जैसे ये जो इंग्लिश लैब्राडोर है, वैसे किसने बनाई, मतलब ये ब्रीड मिक्स करके आई है या ये बाहर से ब्रीड आई थी या क्या था? ये ब्रीड मिक्स करके नहीं है, ये ब्रीड जो है ना, ब्रीडरों ने मैच्योरिटी के साथ काफ़ी अच्छे उसके तरीके से बनाई है। मतलब जैसे कि अभी आप ये लगा लीजिए, आप हमारे पास राजा है जी, और आपके पास कोई फीमेल है अच्छी जी, ठीक है। आप लोकल ब्रीडिंग ना करा के, लोकल मेटिंग ना करा करके आप यहाँ पे आए और आगे आपने राजा से मेट कराई जी, तो बच्चे अच्छे ही पैदा होंगे, क्योंकि आपकी फीमेल अच्छी भारी है जी। तो ये भी भारी है तो बच्चे भी भारी होंगे जी। अगर आप इसमें शो क्वालिटी फीमेल यूज करोगे तो बच्चे दो तरीके के आएंगे, इसमें शो क्वालिटी भी निकलेंगे आपके और इंग्लिश भी निकलेंगे जी जी जी, ठीक है। तो इसमें कुछ योगदान हमारे ब्रीडरों का है। देखिए, हम तो जब आए हमें तो इंग्लिश बना बनाया मिला। हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने बनाया वो काफ़ी पुराने ब्रीडर हैं। अच्छा, ठीक है। पर बाकी है कि काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, हम तो मतलब मान लो जब से इस काम में आए हैं जी, तब से हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि भाई ब्रीड चेंज करना या ब्रीड को अच्छा बनाना ये कोई आसान बात नहीं है। तो बात है, देखो नहीं, जो हमने किया है माइंड का गेम है। हाँ, माइंड का एकदम बिल्कुल, माइंड का भी है और समय का भी गेम है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना, वो नॉलेज की है। जिस इंसान को नॉलेज होगी वही ये सब चेंजेस कर सकता है। जिसको अपने जानवर के बारे में पता है कि मेरा जानवर क्या निकाल सकता है, मेरा डॉग क्या प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल वो ये चीजें कर सकता है। मतलब मैं खुद नहीं कर सकता ये चीजें, मैं आपको ये बात बताऊं, क्योंकि ये चीज़ें लगा लीजिए हमसे जो बड़े और पुराने सीनियर ब्रीडर हैं, ये उन्होंने कर दिए बस। बिल्कुल भैया ने बिल्कुल शानदार बात बताई है कि हम तो इस टाइम बनी बनाई खा रहे हैं। हाँ, जो बनाने वाले तो कोई हो रही थी, वे तो एक उन्हें तो एक तरह से इंग्लिश भाषा में साइंटिस्ट कह सकते हैं कि लैब्राडोर को इंग्लिश बनाने वाले साइंटिस्ट थे एक तरीके से। बस उन्होंने अपना दिमाग लगाया, माइंड लगाया, तैयार करा,
ठीक है जी। तो उसमें अपना चलो बहुत अच्छी बात कही भैया ने। तो अब जो आगे का भैया जी क्या सोच रखा है, प्लान क्या करना है फ्यूचर में? फ्यूचर में कुछ नहीं, बस अपना डॉग फार्म है और इसके साथ पोल्ट्री है जी, तो इसमें रहना है भैया। देखो भैया पता है अपना, मैं बताता हूँ करने को, आप जॉब कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, पर जिंदगी में सेटिस्फाई बंदा वही है जो अपना शौक के साथ अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, चाहे वो कोई नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी का शौक है, बंदे को नौकरी करे जी, पर दिल से करे जी। वही काम है, हम डॉग का काम कर रहे हैं भाई, मेरे को शौक है जी। मैं अगर ये लगा रही डॉग का काम छोड़ भी दूंगा ना, तब भी 10-12 डॉग मेरे घर में रहेंगे जी, शौक के तौर पे। इस टाइम कितने डॉग हैं आपके पास? इस टाइम मेरे पास तकरीबन 17-18 डॉग हैं। 17-18 जी, जिसमें लेबरा कितने? लेबरा तकरीबन 13-14 तो लेबरा ही हैं। अच्छा जी जी, और कहाँ का स्टड है? जर्मन शेफर्ड का स्टड है अपने पास, लॉन्ग कोट। भैया के पास लॉन्ग कोट, वो कौन सी ब्रीडिंग से है भैया, ब्लड कौन सा है वो? ब्लड तो भाई उसका मैंने यहाँ परचेज किया था वो शो से। अच्छा, तो उसमें उसने इसके मदर फादर की क्लियर डिटेल नहीं दी थी मेरे को। चलो कोई नहीं, भैया के पास एक अच्छा जर्मन शेफर्ड है क्वालिटी का, जिस भाई को मैटिंग चाहिए मिल ले सकती है। और कहाँ का स्टड भैया? और भैया अपने पास कोई स्टड नहीं है अभी। अच्छा। सित जुगे हैं, सित जुगे अभी रेडी कर रहे हैं। अच्छा, सित जुगे फीमेल है? हाँ अभी फीमेल है अपने पास फार्म में। और पप्पी जो पड़े हैं इस टाइम है अवेलेबल, वे कौन कौन से हैं? वो अपने पास जर्मन शेफर्ड की पप्पीज हैं, 2 फीमेल लेबरा की हैं जी, बस फिलहाल तो यही है अभी। जो लेबरा की फीमेल है वे कौन से ब्लड से हैं? जो लेबरा की फीमेल है वो भैया एक वो ब्लड से है और एक मॉन्स्टर की बच्ची है। अच्छा, दोनों सेल के लिए है? दोनों सेल के लिए। भैया संपर्क कर सकते हैं, इस टाइम मॉनिस्टर की पप्पी भी पड़ी है, किनके भैया के, एक बॉब ब्लड की फीमेल भी पड़ी है, जर्मन शेफर्ड के बच्चे भी हैं। भैया संपर्क कर सकते हैं, जिस भाई को चाहिए ले सकते हैं। ठीक है जी, भैया ने का बहुत ही अच्छी मेहनत चल रही है डॉग पे दिख रही है। जब भी भैया के मैं कहने पाया था कि भैया रजत भाई से बात करेंगे प्यार से, ठीक है जी, रजत भाई ने सेवा भी कर रखी है डॉग की, ये दिख भी रहे हैं। ठीक है, अब एक बच्चा भैया और तैयार करें, उस बच्चे को दिखाते हैं। रजत भैया मोस्टर का बच्चा लाओ दारा, ला ये लो भैया। आया रूनी, आया दारे ला रे, ओ रजत भैया कितने दिन का हो चुका है भाई? कितने समय का है ये? 5 महीने का होगा, 25 तारीख को। 25 तारीख को 5 महीने का हो चुका है कम्प्लीट। ये डायरेक्ट मोनिस्टर का सन है? ये डायरेक्ट मोनिस्टर का सन है। वेरी गुड जी। एक भैया ये स्टड तैयार कर रहे हैं, शानदार रहेगा। ठीक है जी, आने वाला समय इसका भी शानदार फ्यूचर रहना है। ठीक है जी, और भैया के पास ये देख सकते हो, ये ब्लैक गैंग है, ये इनकी मदर है, ये दोनों बच्चे हैं भैया, दोनों सिस्टर है या रियल सिस्टर है नहीं? अच्छा, ये सिस्टर है, मदर नहीं है, सॉरी भाइयों, ये सिस्टर। और तो इनकी मदर अंदर है ना? हाँ हाँ, इनकी मदर वहाँ पे अंदर है। अच्छा अच्छा, इनकी मदर अंदर है, सॉरी, ये सिस्टर है इनकी। ठीक है जी, ये देख सकते हो आप, कितना शानदार है ब्लैक गैंग इनका। गंदी हो गई आगे खेत में, ये अपना खेल का, ये मस्ती ले गए अभी थोड़ी सी। ठीक है जी दोस्तों, ले ले राजी, ओए ले जा रहा, आजा ले। दोस्तों भैया का इंग्लिश लेबरा में शानदार काम है, देख सकते हो ये दोस्तों। बस जल्दी से शेयर लाइक किया करो वीडियो को, हर रोज नई वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। बस हो गया, हो गया।